अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर खान वेलकम करता हूं आपका द एग्जॉटिक बर्ड किंगडम में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, खैर वाकियत से होंगे, और आप सभी भाइयों के बर्ड्स बेहतर होंगे, खैर वाकियत से होंगे। सभी भाइयों को ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो है वो ईद उल अदा बहुत बेहतरीन गई होगी, आप सब ने अच्छे से जो है वो परफॉर्म किया होगा और अच्छे से इन्जॉय किया होगा। तो दोस्तों, आज जो है मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरे जो बजीज़ हैं उन्होंने जो है वो हैचिंग जो अंडे दिए हुए थे उनमें से हैचिंग स्टार्ट हो गई थी और वो कंटिन्यू हैचिंग बनी हुई है माशाल्लाह से। और हर हांडी से जिसमें हैचिंग नहीं स्टार्ट हुई थी उसमें से स्टार्ट होती जा रही है, किसी में स्टार्ट होने वाली है। और इस तरीके से जो चिक्स की ग्रोथ है वो सारी मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। और ये मेरे लव बर्ड्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये भी जो है वो ब्रीड के ऊपर आ गए हैं और एक बॉक्स में इसमें 4 अंडे आ चुके हैं। इंशाल्लाह इनका स्पेशली एक अलग वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से जो है, और सारी चीज़ें बताऊंगा कि कितने में जो है वो पट्टे लेकर आया था, कितने पेयर उसमें लगे और कितने दिन के बाद जो है इन्होंने जो है वो मेटिंग स्टार्ट करी और एग ले किए, और कितनी एज के मैं लेकर आया था और कितनी एज पे आने के बाद इन्होंने जो है एग ले किए। तो ये एक लव बर्ड का स्पेशल वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा तो उसके ऊपर आएगा। और इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो हमारे बजीज की जो है वो हैचिंग स्टार्ट हो चल रही है और किस तरीके से जो है वो कॉलोनी में बजीज की जो है वो ग्रोथ माशाल्लाह से बढ़ रही है। तो दोस्तों, गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया वीडियो लाता रहता हूँ और कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बर्ड्स के मुताबिक, बर्ड्स के रिगार्डिंग समझाता चलूँ और आप लोगों को गाइड करता चलूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये देखिए, मैंने अपने बर्ड को गाजर कैरेट जो है वो क्रश करके और उसके साथ में मूंग का स्प्राउट जो है वो डाला हुआ है, और चिक्स निकले हुए हैं इसलिए जो है वो सॉफ्ट फूड पे बेहतरीन ध्यान रखना है। हमने कभी जो है वो कैरेट डालना है, कभी बीट रूट डालना है, कभी मूंग का स्प्राउट डालना है, कभी लोबिया डालना है, कभी सोयाबीन डालना है, कभी बाजरे का स्प्राउट डालना है। इस तरीके से हमने इनको अलग अलग सॉफ्ट फूड डेली देना है, और उसमें जो है वो एप्पल साइडर विनेगर भी 4 to 5 ड्रॉप्स हम मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि जो है वो बर्ड्स एंड चिक्स दोनों की जो है वो डाइजेशन बेहतरीन रहे और साथ साथ में जो मसले पेट के हो जाते हैं, कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो मसले भी ख़त्म हो जाते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, मैंने गाजर को क्रश किया हुआ है और साथ में मूंग दाल का स्प्राउट मैंने जो है इसमें ऐड किया हुआ है, और इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला हुआ है। मूंग दाल का स्प्राउट्स बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, और स्पेशली जब चिक्स निकलते हैं तो उनकी सेहत के लिए जो मूंग दाल और मूंग का जो स्प्राउट्स होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो देखें आप मैंने किस तरीके से सफाई पूरी कर रखी है, अच्छे से सफाई का बरसात में पूरा ध्यान रखें आप लोग, और अपने बर्ड्स को जो है वो बेहतरीन सॉफ्ट फूड दें। ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, बर्ड्स की स्पेशल केयर करें। अगर आप अपने बर्ड्स की स्पेशल केयर करेंगे तो बर्ड्स आपको जो है वो स्पेशल परफॉर्म करके देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो है मैं आप लोगों के लिए आता रहता हूं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो है आप लोगों के कोई भी मसले हों तो आप जो है वो मैसेजेस दें मेरे को, इंशाल्लाह जो है वो सारे मसले हल किए जाएंगे। दवाओं का भी जो है वो मेरे पास बेहतरीन नॉलेज है, बर्ड्स की बीमारियों के रिगार्डिंग जो है मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों से गुजारिश है कि जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मैं दिखाता हूं आज किस तरीके से जो है वो हैचिंग कंटिन्यू है हमारी एवरी में, और चिक्स निकलते चले जा रहे हैं माशाल्लाह से। और लव बर्ड के भी जो है मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या प्रोग्रेस है। फिलहाल आज मैं जो है वो आप लोगों को बजीज की जो है वो प्रोग्रेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने दिखाई थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं प्रोग्रेस।